है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले कोण सी का मान निकाले, मतलब कोण सी यहाँ पर है, देखिए फिगर में देखिएगा एनसीईआरटी बुक के, ठीक है, यहाँ पर फिगर है सी, और सी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ए और बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो जो क्वेश्चन में आपका दिया है, ठीक है, जो जो आपके क्वेश्चन में दिया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए फिगर को सामने रखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर फिगर को सामने रखते हैं और लिखते हैं सॉल्व, जो जो दिया है उसको लिखिए। सबसे पहले लिखिए क्या, गिवन डेट मतलब जो जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया, सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए कोण पी ओ वाई, पी ओ वाई का मान 90 डिग्री दिया है, यानी कि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, और ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए अनुपात बी बराबर 2:3, ठीक है, क्वेश्चन में इतना दिया है, अब कुछ नहीं दिया है। अब हमको किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए फिगर को एकदम सामने रखिएगा, ठीक है। देखिए सी का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक लाइन पर, हम क्या जानते हैं, एक लाइन पर होता है एक्स ओ एम और एम ओ पी और पी ओ वाई, ये तीनों मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए तो तीनों मिला के कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, ठीक है। और वैसा ही करते हैं, इन तीनों को देखिए, इन तीनों को लेके 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर कर दीजिए कोण एक्स ओ एम प्लस कोण पी ओ एम प्लस कोण पी ओ वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक्स ओ एम का मान कितना दिया है, एक्स ओ एम का मान 3x माने हैं, देखिए यहाँ पर बी है एक्स ओ एम का मान, यहाँ पर रख देंगे 3x प्लस ए है, ए को माने है क्या 2x, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस पी ओ वाई का मान कितना दिया, देखिए 90 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देंगे 90 डिग्री इक्वल टू कितना, 180। अब देखिए 3x प्लस 2x जोड़ लेंगे तो यहाँ पर होगा 5x प्लस 90 डिग्री, 180। अब देखिए 90 इधर जाएगा प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो यानी कि 5x बराबर होगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, तो एक्स बराबर 90/5, भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 18 डिग्री। एक्स मान निकल गया कितना डिग्री, 18 डिग्री। अब देखिए 3x मान है किसको, कोण एक्स ओ एम इजकल टू है 3x, और यहाँ पर 3 और x का मान कितना है, 18, तो कितना आएगा 54 डिग्री। एक्स ओ एम का मान निकल गया, उसके बाद उसी तरह पी ओ एम का मान कितना है, 2x है, और पी ओ एम क्या है, 2 × 18 इजकल टू, क्योंकि x का जगह पर क्या रख देंगे, 18 रख देंगे, तो यह हुआ 36 डिग्री। अब निकालना है कोण सी का मान, देखिए कोण सी का मान निकालना है, फिर फिगर की आवश्यकता पड़ रही है, आपको फिगर दिखाते हैं। यहाँ देखिए फिगर देखिए, किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है, बी और ए का मान निकल गया। देखिए बी का मान निकला है एक्स ओ एम, एक्स ओ यहाँ पर एम है तो बी का मान कितना है, 54 डिग्री, और ए का मान निकला है 36 डिग्री। देखिए एम ओ पी या पी ओ एम 2x 36 डिग्री, ठीक है। अब हमको सी का मान निकालना है, तो इस फिगर को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस फिगर को हम ऐसे रखते हैं, देखिए तो एक रेखा बन रही है, देखिए एक रेखा बन रही है, और दोनों रेखा मिलाकर यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनता है, एक रेखा पर यहाँ से चले यहाँ पर कितना बनेगा, 180 डिग्री, यानी बी प्लस सी का मान कितना
किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एक्स ओ एन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कर दीजिए, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एन ओ एक्स, ठीक है, एन ओ एक्स मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना डिग्री, 180 डिग्री होगा। बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। और एक्स ओ देखिए यहाँ पर एक्स ओ एम का मान कितना डिग्री है, 54 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे। प्लस कोण एन ओ एक्स का मान दिया है सी बराबर 180, तो सी का मान कितना निकलेगा, देखिए 54 डिग्री का चिन्ह यहाँ पर, 180 माइनस 54 डिग्री इजकल टू 126 डिग्री, तो सी के मान कितना निकला, 126 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।